Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Parshala by Neetu Nigam. I hope आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी. तो चलिए आगे के दीपावली की छुट्टी में कुछ हम बना नहीं पाए थे वीडियो. अब आज का वीडियो हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी फॉर क्लास फर्स्ट. चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट. ए हैंड, बी आइसक्रीम, सी बैट, डी बॉल. इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? तो बच्चों ए सी एंड डी ये तीनों स्पोर्ट्स से रिलेटेड थिंग्स हैं, जबकि बी जो है खाने से रिलेटेड है, आइसक्रीम. तो ऑड वन आउट इज द ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप्स. एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ब्रिंजल. सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, बिकॉज ए बी सी आर फ्रूट्स एंड डी इज द वेजिटेबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, टू विच पिक्चर डज द शेप बिलोंग्स. दिस बिलोंग्स किस इमेज से बिलोंग्स हो रहा है? तो दिस बिलोंग्स इज द ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, आइडेंटिफाई द फिगर डैट इन द डिफरेंट पोजिशन दैन द अदर्स. इसमें से कौन सा डिफरेंट पोजिशन पे है? तो ए बी एंड डी तीनों सेम पोजिशन पे ट्रायंगल है, जबकि सी जो है डिफरेंट, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है. तो सी इज द करेक्ट आंसर, द डिफरेंट पोजिशन इज द ट्रायंगल. फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग फॉर क्वेश्चन 5 to 9. 5 to 9 में हमें ऑड वन आउट क्वेश्चन को फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ए बी सी डी एंड ई, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, चलिए समझते हैं ऑप्शन सी किस प्रकार हुआ. देखिए यहाँ से हम ये एरो को हम इधर ले जाते हैं, बी ऑप्शंस, तो 90 डिग्री के ट्रायंगल बनते हैं. और फिर हम इसको इधर ले जाते हैं, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाता. फिर ये इधर हो जाता है, ये हमारा सभी जो है 90 डिग्री मूव होगा. जबकि इसको अगर हम करते हैं तो ये 45 हो रहा है. तो दिस इज़, इसलिए ये ऑड नंबर्स है. और ये तीनों देखिए यहाँ पर ये हो रहा पोजिशंस, फिर नेक्स्ट पोजिशन ये हो गया एंड नेक्स्ट पोजिशन ये हो गया. तो ऑड ऑन आउट इज़ द सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी एंड ई, इसमें से ऑड ऑन आउट क्या है? तो देखिए ओ डी क्यू बी एंड आई, इसमें से ऑड वन आउट ऑप्शन सी है. क्योंकि जो भी हम लेटर्स को लिख रहे हैं, पेंसिल हमें उठाने की ज़रूरत नहीं हो रही है, सेम राउंड में हो जा रहा है. जबकि क्यू लिखने के लिए हमें पेंसिल उठा के, क्योंकि ये डैट हमें लगाना होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी एंड ई, इन सभी में आप देखेंगे ट्रायंगल में इधर और इधर, यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल में दो तरफ निशान लगे हुए हैं, बी में भी हमारा दो तरफ है, सी डी इधर और इधर, एंड डी में हमारा तीनों साइड ऐसे कर्व राउंड बन रहा है. तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इज़ द ऑड वन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 A B C D एंड ई, इसमें भी हम देखिए ये हमारा जो हो 90 डिग्री हो रहा है. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज यहाँ पर ए और ई सेम पोजिशंस पे हैं. तो रूल्स के अनुसार ए और ई सेम होता है, तो उसी प्रकार सी और डी सेम हो रहे हैं. तो ये एक अलग फिगर्स ड्रॉ है, तो इसलिए ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए में दोनों तरफ हमारा सेम डिजाइन बने हुए हैं, बी में हमारा अलग अलग डिजाइन बना हुआ है, फिर सी में सेम डिजाइंस हैं, डी में सेम डिजाइन है और ई में सेम डिजाइन है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों राउंड तरफ जो है हमारा अलग डिजाइंस मेंशन हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पिक द पार्ट विच कंप्लीट द फिगर फॉर क्वेश्चन 10 to 13. 10 to 13 में हमें इस क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है. तो चलिए इसमें हम देखते हैं, इस 3 पिक्चर्स को पहले हम समझते हैं, फिर नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे. देखिए यहाँ पर ये गया और फिर ये पिक्चर्स इधर आ रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया. फिर ये इधर, ये थर्ड पोजीशन जो ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री.
और 180 डिग्री हो गया तो 90, तो ये सीक्वेंस क्या हो रहा है 90 180, तो नेक्स्ट हमारा होना चाहिए 270 डिग्री, तो यहाँ पर ये जा रहा है तो 270 डिग्री हमारा क्या बन जाएगा 180 प्लस 90, ठीक है। तो सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिर यहाँ पर जाएगा और ये 90 डिग्री ऐड हो जाएगा तो 170, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देती हूँ फिगर को और फिर आप अच्छे से इसको समझिए। देखिए ये हमारा इस तरफ एरो जा रहा है और यहाँ से फिर इधर क्रॉस हो जा रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ से सीधे इधर जा रहा है तो 180 डिग्री बन रहा है। तो सीक्वेंस क्या हो रही है हमारी 90 180, यानी 90 90 का डिफरेंस है, फिर 180 में हम 90 प्लस करेंगे तो पोजीशन हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से हमारा ये इधर चला जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री प्लस इन 270 डिग्री हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इस इमेज को हमें पूरा करना है, तो चलिए ये हम इमेज इसमें किस तरह पूरा होगा, तो चलिए इस इमेज को पहले हम राउंड अप एक रफ पूरा कर देते हैं। ये यहाँ पे इस प्रकार येल्लो हो जाएगा और ये ऐसे लाइन जाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर ये हाफ राउंड हो रहा है, तो इस तरह का इमेज जो है ऑप्शन बी में बन रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 12, इसमें भी इस इमेज को पहले हम पूरा करके देखते हैं किस तरह का ये इमेज होगा, तो ये इमेज इस तरह कंप्लीट हो जाएगा और ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसमें भी हम इस तरह इसको कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे इस तरह हो जाएगा और ये इस तरह का राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह का ये साइड से चिपका हुआ इमेज जो है ऑप्शन बी में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑन द लेफ्ट, इसमें हमें देखना है इस ग्रुप में कौन से इमेज यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ए इमेज इसमें नहीं है, बी इमेज देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, सो इस ग्रुप में ये इमेज है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसी प्रकार 15, ये ग्रुप बने हुए इसमें से कौन सा इमेज जो है इसके अंदर हमें दिख रहा है, ट्रायंगल नहीं है, सर्कल नहीं है, कर्व हमारा दिख रहा है, रेक्टेंगल और ओवल शेप नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये इमेज हमारा इसमें है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 16 to 20 क्वेश्चन में हमें मिरर इमेज देखना है। मिरर इमेज में बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा लेटर है इमेज है लेफ्ट पोजिशन राइट में हो जाता है, राइट का पोजिशन लेफ्ट में हो जाता है। तो देखिए ये हमारा इस तरह जा रहा है तो ये इस प्रकार हमारा बन जाएगा, लेफ्ट पोजीशन इधर हो जाएगा, तो इस तरह की इमेज जो है यहाँ पे देखिए यही होगा, इमेज चेंज नहीं होगा सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। इसी प्रकार 17 में देखिए यही इमेज रहेगा लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा देखिए इधर है तो ये इस तरफ घूम गया है, तो ये हमारा ए हो गया मिरर इमेज, लेफ्ट की पोजीशन राइट में हो गई। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर, इसमें भी हमें मिरर इमेज ही फाइंड करना है, तो चलिए देखिए ये हाउस बना, ये ब्लू वाला हमारा इधर हो जाएगा, पर्पल वाला इधर हो जाएगा, ये पोजीशन चेंज हो जाएगा, येलो इस तरफ आ जाएगा और पिंक इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरह हम देखते हैं कि चलिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल हो रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ई में हम देखेंगे येल्लो हमारा इस तरफ हो जा रहा है लेफ्ट से राइट, और पिंक इस तरफ आ रहा, पर्पल इधर चेंज होकर आ रहा, ब्लू इधर पोजीशन चेंज हो गई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी हमें मिरर इमेज करना है, तो इसमें देखिए ये ग्रीन लाइन जो है और ब्लू, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये बाहर की जो येल्लो डार्क येल्लो और लाइट येल्लो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी येल्लो इस तरफ चला जाएगा या डार्क येल्लो इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं, तो ये पोजीशन हमारा ऑप्शन ई में है। देखिए आप इसमें ये पोजीशन इधर आ गया है और येल्लो इधर चला गया है, तो सॉरी इसमें पोजीशन आपका हो गया येल्लो, ये ऑप्शन डी, ये नहीं है, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट इधर आ गया येल्लो उस तरफ चला गया, पोजीशन सेम टू सेम, तो ये करेक्ट आंसर 19 हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी हम यही देखेंगे नीचे की पोजीशन सेम रहेगी, ये पिंक इधर आ जाएगा और ये लाइट ग्रीन जो है इस तरफ आ जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे पोजीशन कौन सा हो रहा है। देखिए पिंक इस तरफ चला गया है और लाइट
ग्रीन जो इस तरफ आ गया, ये पोजीशन सेम है, सो मिरर इमेज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स टिक एंड द करेक्ट आंसर। इसमें हमें राइमिंग वर्ड फाइंड करना है। टावर ए एंटीना, बी सिग्नल, सी पावर, डी नेटवर्क। टावर पावर, राइमिंग वर्ड उसको कहते हैं जो एक जैसे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे पावर टावर, टावर पावर, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। उसी प्रकार बॉय टॉय, मैन गर्ल, बॉयज, तो बॉय टॉय, सेम जैसा हमें लास्ट में प्रोनाउंसिएशन दिख रहा है तो हमारा राइमिंग वर्ड हो जाता है। उसी प्रकार पैन पॉट, लास्ट में ए एन हो रहा है तो उस तरह का यहाँ पर ए एन होना चाहिए, ये वर्ड मीनिंग से भी आप पहचान सकते हैं। पॉट फैन मग पिन, तो पैन फैन एन, दोनों में क्या हो रहा है लास्ट में चार, पैन फैन एन, तो ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, दिस इज द राइमिंग वर्ड। आज के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। एक बार बच्चों को जरूर आप सॉल्व करवा के देखें कि आपके बच्चे कितने अच्छी तरह से इसे सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।